नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत यानी कि व्यापम के अंतर्गत वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की जो नवीन भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, उस विज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, कब से आवेदन फॉर्म फिल होंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2023 की जो नियम पुस्तिका है वो जारी कर दी गई है। वो नियम पुस्तिका कुछ इस तरीके से है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि व्यापम, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023। दोस्तों, इससे पहले भी जो 2020 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, अब जो है दोस्तों 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का जो भर्ती फॉर्म है वो जो है उसकी नियम पुस्तिका आ चुकी है, जिसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 12/1/2023 यानी कि 12 जनवरी से जो है इसके आवेदन फॉर्म चालू होंगे और इसकी अंतिम दिनांक 27 जनवरी 2023 रहेगी। उसके बाद में दोस्तों इसमें यदि किसी तरह का संशोधन करना है तो 12/1/2023 से 1/2/2023 तक इसमें संशोधन की तिथि रहेगी। और साथ ही दोस्तों इसके जो आवेदन फॉर्म आपको फिल करना है तो उसके लिए आपको व्यापन प्रोफाइल की आवश्यकता रहेगी। तो आप पहले अपनी व्यापम प्रोफाइल बनवा लें और साथ ही दोस्तों इसमें जो भी आपको जैसे रोजगार पंजीयन और यदि आपके पास गेस्ट फैकल्टी अनुभव है तो वो प्रमाण पत्र भी आप बनवा कर तैयार कर लें। उसके बाद में दोस्तों इसकी परीक्षा दिनांक जो है 1/3/2023 बुधवार से इसकी परीक्षा प्रारंभ होगी। साथ ही दोस्तों इसकी जो आवेदन शुल्क है वो अनारक्षित अभ्यर्थी यानी कि सामान्य वर्ग के लिए ₹500 प्रति प्रश्न रहेंगे और विभाग शुल्क जो है ₹100 और कुल शुल्क जो है इसकी ₹600 इसके आवेदन शुल्क रहेगी। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी MP ऑनलाइन पोर्टल की क्योस्क शुल्क है वो अलग से आपको दे ही रहेगी। उसके बाद में ST/SC और अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग के लिए जो है इसकी ₹250 आवेदन शुल्क रहेगी, ₹50 इसकी विभागीय शुल्क, इस तरीके से ₹300 इसका जो है आवेदन शुल्क रहेगी और साथ ही दोस्तों इसमें पोर्टल शुल्क ₹60 दे अलग से रहेगा। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो परीक्षा 1/3/2023 बुधवार से प्रारंभ होगी, जो कि 2 पारी में इसकी परीक्षा होगी। इसमें दोस्तों आपको सुबह 7 बजे से 8 बजे तक इसकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी प्रथम पारी में और परीक्षा प्रारंभ जो है 8:30 से 9 बजे तक 10 मिनट में आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी, जिसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने का जो समय है 8:50 से 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद में उत्तर पुस्तिका अंकित करने का समय 9:30 से 11:30 बजे तक का रहेगा, जो कि 2.5 घंटे का आपका परीक्षा टाइम रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों द्वितीय पारी जो है 12:00 से 1:00 बजे प्रारंभ होगी और प्रवेश जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा है 2:00 से 4:30 बजे तक 2.5 घंटे का परीक्षा प्रश्न पत्र रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित की जाएगी, जिसमें पद का विवरण जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक रहेगा, पद की श्रेणी है द्वितीय श्रेणी, आवेदन पत्र निर्देशित पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा, परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा और इसमें शैक्षणिक अर्हता जो है दोस्तों संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ BEd या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आप जिस पद के लिए आवेदन करोगे उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में उपाधि होना चाहिए और साथ में उसका BEd भी होना अनिवार्य है। संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, इसके अतिरिक्त BEd प्रशिक्षण होना अनिवार्य रहेगा।
अब हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 50% आरक्षण और अन्य के लिए 60, कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण भी है, ये कुछ भर्ती नियम पुस्तिका है। अब हम बात करेंगे वेतनमान के बारे में। तो दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता दे ही रहेगा और भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन दे ही रहेगा। अब हम बात करेंगे परीक्षा शहर के बारे में। तो आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय 4 परीक्षा केंद्र शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मंडल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंक किए गए शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर रेंडम प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से परीक्षा केंद्र है, जिसमें बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये कुछ परीक्षा केंद्र है दोस्तों। तो आप जब भी आवेदन करोगे तो अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र का आपको चयन करना रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 2023 के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसके जो भर्ती नियम कुछ इस तरीके से है। साथ ही दोस्तों ये जो भर्ती नियम पुस्तिका है, ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट अपना ये डाउनलोड कर इसकी रूल बुक अच्छे से पढ़ लें। और साथ ही दोस्तों ये भर्ती नियम पुस्तिका के अनुसार आप अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।